now we are considering that this CFT and this CFT, that is at the transmitter and receiver side, both are synchronized. मतलब दोनों का जो बिट डिले कुछ भी नहीं है, जितने टाइम पे ये सी ऑफ टी उतने टाइम पे ये सी ऑफ टी वाला सी ऑफ टी, ठीक है, तो देर इज नो डिले, मतलब सिंक्रोनाइज है, तभी आप उसको कंसीडर कर सकते हैं. मतलब जो आपका जो जेड ऑफ टी, आपका जो डिस्प्रेडेड सिग्नल है, इट इज द डिस्प्रेडेड सिग्नल है जेड ऑफ टी, विच इज आर ऑफ टी एंड सी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ आर ऑफ टी एंड सी ऑफ टी, देन वी विल फाइंड द डिटेक्टेड सिग्नल विच इज वी, ठीक है, आफ्टर इंटीग्रेशन, इट इज द लो पास फिल्टर, ठीक है. तो क्या होंगे, देखो जेड ऑफ टी क्या मिल रहा है आपको, ये आर ऑफ टी आपका रिसीव सिग्नल है, एम ऑफ टी प्लस आई ऑफ टी, ठीक है, विच इज मॉड्यूलेटेड प्लस इंटरफेरेंस विच विल डिस्टर्ब द ट्रांसमिटर सिग्नल, तो विच इज इंटरफेरेंस की वैल्यू क्या है, आई ऑफ टी, ठीक है. सो जेड ऑफ टी इज आवर डिस्प्रेडेड सिग्नल, तो सी ऑफ टी इंटू आर ऑफ टी कर देंगे, तो नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ आर ऑफ टी, विल गेट एम ऑफ टी इंटू प्लस सी ऑफ टी इंटू आई ऑफ टी, देन सी ऑफ टी यहाँ पर फिर से आ गया, एम ऑफ टी की वैल्यू क्या है, एम ऑफ टी इज सी ऑफ टी इंटू बी ऑफ टी इंटू सी ऑफ टी, सी ऑफ टी इंटू बी ऑफ टी, तो एम ऑफ टी की जगह सी ऑफ टी इंटू बी ऑफ टी करना, तो इट विल बी सी स्क्वायर ऑफ टी बी ऑफ टी, देन सी ऑफ टी प्लस आई ऑफ टी, ठीक है, देन सी स्क्वायर ऑफ वन, क्योंकि सी ऑफ टी की वैल्यू क्या है, या तो वन है या तो माइनस वन है, ठीक है, तो वन का स्क्वायर भी वन, माइनस वन का भी स्क्वायर वन, तो सी ऑफ टी, सी स्क्वायर ऑफ टी, सी स्क्वायर ऑफ टी विल बी वन फॉर ऑल टी, ठीक है. सो जेड ऑफ टी रिड्यूस कितना हो गया, बी ऑफ टी प्लस सी ऑफ टी इंटू आई ऑफ टी, अगेन नाउ डिटेक्टेड सिग्नल, ठीक है, तो क्या सी ऑफ टी इंटू आई ऑफ टी, क्योंकि हमारा वाइड सिग्नल है, वाइड बैंड सिग्नल है, इट इज द वाइड बैंड सिग्नल, तो इसको देखो वन बिट ड्यूरेशन के लिए हम इसको कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे, वी आर इंटीग्रेटिंग फॉर वन टी बी ड्यूरेशन, वन टी बी ड्यूरेशन. सो जो भी इसमें हाई लो पास फिल्टर है, तो हाई फ्रीक्वेंसी कंटेंट मतलब टी सी टी बी से बड़े वाले, ठीक है, वन बाय टी बी, वन बाय टी बी फ्रीक्वेंसी से आधे आगे वाले इस एक्सपेक्टर कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, हट जाएंगे, ठीक है, ये क्योंकि लो पास फिल्टर है, ठीक है. तो ये सी ऑफ टी क्या है आपका, सी ऑफ टी मतलब सी ऑफ टी इंटू आई टी, जो सी ऑफ टी आपका इट इज द वाइड बैंड स्पेक्ट्रम, सो लो पास फिल्टर क्या करना, ऑलमोस्ट वो जितने भी हमारा इंटरफेरेंस है वो पूरा का पूरा रिमूव हो जाएगा, तो आपका जो डिटेक्टेड सिग्नल रहेगा वी, वो क्या रहेगा, सिर्फ बी ऑफ टी, और बी ऑफ टी क्या है, प्लस वन और माइनस वन, वन के लिए वन, बिट वन के लिए प्लस वन और बिट जीरो के लिए माइनस वन, ठीक है. तो जो डिसीजन डिवाइस है वो क्या बोलेंगे, प्लस है तो, प्लस है तो वन और माइनस वन है तो जीरो. सो दैट्स हाउ वी विल हैव द बेस बैंड, बेस बैंड मॉड्यूलेशन ऑफ द स्प्रेड एसएस सिग्नल, स्प्रेड स्पेक्ट्रम सिग्नल, ठीक. नाउ देयर आर टू टाइप, टू टेक्निक्स और मेथड. फर्स्ट वन इज, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा, डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम एंड फ्रीक्वेंसी होप स्प्रेड स्पेक्ट्रम, ठीक है. और डायरेक्ट डीएस स्पेक्ट्रम को हम देखेंगे किससे, डीपीएस कैसे करेंगे, ठीक है, और एफएचएसए को, एफएचएसएस को हम किससे करेंगे, एमआरए, एमआरए एफएसके से करेंगे.